अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कफारा। मंगनी तो हो गई यहाँ पर सितारा की, जैसे भी हुई जिन भी हालात में हुई, भाई फ्रेंड्स को तो ट्रीट चाहिए ही होती है। इसीलिए तो सितारा की दोस्त ने तंग किया कि मुझे तो ट्रीट चाहिए ही चाहिए, और दोनों आइसक्रीम पार्लर चली गई। और सोचे वहाँ पर किससे मुलाकात हुई, जी सालार से। सालार तो सितारा को देखते ही फिर उस पर भड़कना शुरू हो गया, जिस पर सितारा ने जवाब दिया कि मैं आपकी किसी बात की जवाबदेह नहीं हूँ, आपने जो किया या मैंने जो किया इस सारी चीज़ों को भूल जाओ। जिस पर सालार का कहना था कि अगर तुम मेरा साथ देती तो मैं तुम्हें इन सब से बचा सकता था, तो दोस्त ने कहा आपको बचाने की ज़रूरत नहीं, कासिम है ना मेरी दोस्त को बचाने के लिए, उसने मेरी दोस्त को हर उस मामले से बचा लिया जिसमें आपने धकेला था। जबकि सालार का कहना था कि मैंने तो उसे कहीं धकेला ही नहीं, और कासिम बीच में कहाँ से आ गया। तो कासिम वाकई ही सितारा से मोहब्बत करता है, इसीलिए तो कॉलेज में उसको फूल वगैरह और तोहफे वगैरह भी देने आ जाता है, मगर सालार को तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। इसीलिए तो सितारा ने अपनी उंगली में से रिंग दिखा दी और कहा ये देखो मेरी कासिम से मंगनी हो गई है, तो फिलहाल मैं आपको किसी बात की जवाबदेही नहीं, आप यहाँ से चले जाएँ। तो जैसे ही सितारा की मंगनी की तस्वीर निम्मी ने देखी तो निम्मी के तो होश ही गुम हो गए कि मैंने इतना बुरा किया सितारा के साथ, उसे सबकी नज़रों में गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज वो कासिम की मंगेतर है। इतना अच्छा लड़का सितारा को कैसे मिल गया, मैं तो चाहती थी कि उसकी किसी अजीब से किसी छोटे से घर में शादी हो, मगर उसकी शादी तो बहुत अच्छे घर में हो रही है और कासिम उससे बहुत मोहब्बत भी करता है। ऐसा क्या करूं कि अब सितारा किसी काम की ना रहे, मतलब कासिम भी उसको छोड़ दे। पहले तो सब कुछ कर चुकी हूं, अब तो कासिम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब ये सारे का सारा मामला हमारी निम्मी की माइंड में चल रहा है। देखो ये क्या रंग पकड़ता है, अब निम्मी कौन सा नया गुल खिलाती है। मगर फिलहाल तो सालार को ये बात हजम नहीं हो रही कि सितारा की मंगनी हो गई, वो भी कासिम के साथ, और कासिम जो टूट के चाहता है सितारा को। सितारा को पहली नज़र में देखते ही कासिम उसका आशिक हो गया, मतलब सालार ने बुला ही लिया कासिम को बात करने के लिए, और कासिम से कहा कि तुम अपने कॉल से मुकर गए, तुमने तो कहा था कि मैं लेफ़्ट ओवर यूज़ नहीं करता, फिर तुमने लेफ़्ट ओवर पर हाथ मारा। तो जिस पर कासिम का कहना था कि उस दिन जो भी हुआ वो सब कुछ निम्मी ने किया, सितारा की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी, निम्मी ने ही तुम्हारे नाम से सितारा को मैसेजेस किए और सितारा हम दोनों का झगड़ा रुकवाने के लिए वहाँ पर पहुँची, तो इस तरीके से सब ने उसको गलत समझ लिया। सितारा का तो कोई कसूर था ही नहीं, और मैं सितारा से पहली नज़र से मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तो मैंने उससे मंगनी भी कर ली और अब बहुत जल्द उससे शादी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ कासिम बहुत शुक्रिया भी अदा करेगा सालार का कि मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ, जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, उस दिन अगर आप चिल्लाते ना, सितारा को सबके सामने बदनाम ना करते, तो सितारा के घर वाले कभी भी मेरी शादी सितारा के साथ करने के लिए रजामंद ना होते, क्योंकि मेरी दादी के साथ उनका काफ़ी क्लैश था और वो मेरी शादी नहीं करना चाहते थे सितारा के साथ, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर चला जाता है वहाँ से कासिम, मगर सालार काफ़ी देर तक सोचता रहता है कि ये सब कैसे और कब हो गया, उसे तो समझ ही नहीं आई। मगर हाँ, सितारा अभी भी ताया अबू की नज़रों में बुरी ही है, इसलिए तो सुहेब से कह दिया कि अपनी बहन को कॉलेज छोड़ा भी करो और कॉलेज से लेके भी आया करो। अब मुझे इस पर यकीन बिल्कुल भी नहीं रहा, ये लड़की कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, जो लड़की एक दफ़ा ऐसा कदम उठा ले उस पर दोबारा एतबार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि सुहेब अपनी बहन की ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं, मगर ताया के कहने पर उसको कॉलेज छोड़ने भी जाया करेगा और लेके भी आया करेगा। सुहेब जो कि अपनी बहन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा, हालांकि बहन बता भी रही है कि उसका कसूर नहीं, मगर फिर भी ताई ने ऐसी पट्टी बांधी है आंखों पर कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ, आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सितारा की शादी कासिम के साथ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि निमी कासिम को पसंद करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जैसे ही देखेगी कि कासिम और सितारा की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और कासिम तो इतना केयरिंग और लविंग है, तो वो कासिम को अपने लिए मुंतहिब कर लेगी और अपनी बातों और अदाओं के जाल में कासिम को फंसा लेगी, और हमारी सितारा फिर अकेली की अकेली ही रह जाएगी।
मगर सितारा अकेली कहाँ भाई, सलार क्यों है ड्रामे में? वो हमारी सितारा के लिए ही तो मौजूद है, तो सितारा अकेली नहीं हो गई। जैसे ही कासिम सितारा की ज़िंदगी से जाएगा, बल्कि उससे पहले ही सालार को इस बात का एहसास हो जाएगा कि सितारा बिल्कुल गलत नहीं थी, सितारा ने कुछ भी नहीं किया। और सालार वैसे भी सितारा से मोहब्बत तो करना शुरू हो ही गया है। जैसे ही निम्मी अपना दाव खेलेगी कासिम पे, तो सालार यहाँ पर सितारा के पास आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का किस किस को इंतज़ार है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।